बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों फाइलम चल रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे TGT, PGT, वनडे जितने परीक्षा होती है सभी में फाइलम संघ से क्वेश्चन बच्चों पूछता है परीक्षाओं में। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप परीक्षाओं को क्रैक करते रहिए और वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो है समझ में आएंगी। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का फाइलम है, जैसे मैंने बताया कि जो फाइलम माने संघ होता है और जो फाइलम होता है इस फाइलम को कहते हैं एनिलिडा कहते हैं, जो है वो फाइलम एनिलिडा। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फाइलम है ये। तो बच्चों वास्तव में एनिलिडा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, जिससे क्या फायदा होता है जो आपके दूर बैठे में तैयार होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आज हम फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं। तो वास्तव में जो एनिलिडा होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो एक होता एनुलस होता है वो, और सेकंड क्या होता है ईयरडोस होता है वो। तो एनुलस माने क्या होता है, एनुलस माने रिंग होता है वो, रिंग माने क्या होता है छल्ले होते हैं वो, और ईयरडोस माने क्या होता है, ईयरडोस का मतलब क्या होता है अपीयरेंस होता है, माने कि दिखाई देना। तो माने क्या मतलब कि बॉडी जो होती है, इसे मान लीजिए कि एक इंजन बना रहे हैं, ये देखिए इसे आप खुद परिचित हैं, ये किसानों का मित्र जिसे हम केचुआ कहते हैं वो। तो वास्तव में ये जो होता है एनिमल, इसे हम अर्थवर्म, इसे क्या कहते हैं अर्थवर्म, या इसकी हिंदी क्या होती, इसकी हिंदी केचुआ होता है वो, और केचुओ क्यों किसानों का मित्र कहा गया है वो, माने जो केचुआ होता है इसे हम किसानों का मित्र कहते हैं या किसानों का हलवाहा कहा गया है वो। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि खेत को माने मिट्टी को काट करके भुरभुरी बनाता है और कास्टिंग माने मल को निकालता है, उसे क्या कहते हैं कास्टिंग कहते हैं वो। तो कास्टिंग माने क्या मतलब कि ये सड़ी गली पत्तियों को खाता है और गोली गोली गीली मतलब कि जो मल को निकालता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कास्टिंग या इसको पुरोस कहते हैं जो है वो। अब होती है जो एनिमल होता है इसकी बॉडी जो होती है रिंग लाइक होती है वो, माने इस तक में ऐसे जंतु आते हैं जिनकी बॉडी रिंग लाइक होती है, इसे हम इसके रिंग अपीयरेंस या इसे फाइलम हम एनिडा कहते जो है वो। अच्छा अब आती है जो उंगली बात करते हैं, तो इस संघ में ऐसे जंतु आते हैं जो कि कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं वो, माने क्या मतलब कि कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग माने क्या मतलब कि ये स्वतंत्र जीवी होते हैं वो, और जैसे कि ये जो केचुआ होता है अर्थवर्म होता है ये फ्री लिविंग होता है वो, माने अर्थवर्म हो गया। अगला होता है नेरिस होता जो है वो, नेरिस ये भी फ्री लिविंग होता है वो, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं वो, पैरासिटिक माने क्या होता है कि परजीवी होते हैं वो, परजीवी मतलब ये होता है कि दूसरे जीवित जंतुओं के ऊपर निर्भर रह करके ये अपने भोज पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं वो। जैसे कि एक एनिमल होता है और उसे हम कॉमन लीच कहते हैं वो, कॉमन लीच या इसको हम हेरुनेरिया, इसे हम क्या कहते हैं हेरुनेरिया कहते हैं, और यह एनिमल जो होता है जिस समय पशु जंतु जो होते हैं गाय भैंस जब जाती है नदी पोखरों में स्नान करने के लिए, तो जो एनिमल होता है माने ऐसी इसकी बॉडी होती है वो, ऐसे बॉडी होती है। तो क्या माने क्या मतलब कि इसके शरीर में 33 खंड पाए जाते हैं वो, तो 26 खंड तो यहाँ से लेकर यहाँ होता है और 7 खंड जो होता है यहाँ पाए जाते हैं वो, इसे हम कॉमन लीच या सामान्य जोग कहते हैं, और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है हेरुनेरिया होता है वो। ये दूसरे जीवित जंतुओं को खून पी करके माने खून को ग्रहण करके ये अपने जो है भोजन की भरपाई करता है वो। और इस एनिमल जो पैरासिटिक एनिमल होता है इसमें एक विशेष प्रकार का ब्लड इसके शरीर में केमिकल पाया जाता है जो है वो, और इसे हेरुडीन कहते हैं वो, हेरुडीन कहा जाता है वो। तो हेरुडीन जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि इसके लार मिलता है, और जब तक खून को पीता रहेगा तब तक हेरुडीन निकलता रहेगा और तब तक ब्लड की क्लाटिंग नहीं होती है वो, लेकिन जैसे ही ये छोड़ देता है वैसे ब्लड क्लाट करके मतलब कि उस जंतु का जिस पर निर्भर है वो मतलब खून का बहाना बंद हो जाता है, दर्द का बहाना जो है वो।
तो ये हेरोडीन जो होता है एंटी कॉगुलेंट, माने हेरोडीन जो होता है यह एंटी कॉगुलेंट या जो होता है प्रज्ञामन के रूप में एक काम करता है वो। अब आती है अगली जब बात करते हैं तो इसमें ऐसे, इस संघ में ऐसे जंतु आते हैं जो कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं वो। माने क्या मतलब, इसको क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल, माने बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल होता जो है वो, या इसकी हिंदी क्या होती है, द्विपार समित होता है। माने क्या मतलब, जैसे एयरथर्म है ये, इसको आप बीच से काटिए तो बीच से काटने पर जो होता है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है वो, इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं वो। और अगली बात इसमें ये आती है कि यह एनिमल जो होता है प्रोटोस्टोमियल जो होता है यूमेटाजोआ का प्राणी होता है जो है वो। अब आती है अगला बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका जो शरीर होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जैसा कि हमने बताया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, माने क्या मतलब कि इसके शरीर जो होता है बहुत सारे खंडों में क्या होता है, बटा होता है। माने जो अर्थवर्म होता है या जो नेलिस होता है उसकी शरीर जो होती है बहुत सारे खंडों में क्या होता है, वो बटा हुआ होता है वो। और एक खंड जो होता है समान, मतलब भागों में बटे होते हैं। और इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिसे कि हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि खंड के अंदर खंड, माने इसे क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस एनिमल को कहा गया है वो। अब आती है इसमें अगली बात करते हैं तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनमें की प्रचलन के लिए सीटी माने अगर आप इसको पलट दीजिए तो इसमें क्या होता है, पलटने पर क्या होता है, इसके खंडों में ऐसे कैपिटल यस के आकार के इसमें सीटी पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि माने की, और जो सीटी होती है यह एक प्रचलन अंग होती है उस। अब आती है कि इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने क्या मतलब कि इनमें थ्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसमें थ्री जनरल ट्रेट्स पाए जाते हैं। माने इसमें क्या होता है, थ्री जनरल ट्रेट्स पाए जाते हैं। इसमें जो होता है थ्री जनरल ट्रेट्स पाए जाते हैं जो है वो, इसलिए ऐसे जंतुओं को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। अब आती अगली बात करते हैं इसमें ट्रू सीलोम माने कि इसमें सत्य देह गुहा पाई जाती हैं। अब आती है कि अगली बात इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होती है कि इसमें दो प्रकार की मसल माने पाई जाती है वो, एक को हम लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हैं वो, और दूसरा जो होता है सर्कुलर मसल कहलाती है वो। माने दो प्रकार की मसल पाई जाती है जिसे कि लॉन्गिट्यूडनल या इसको सर्कुलर मसल भी कहते, माने कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों विशेष प्रकार के इसमें क्या होता है, मसल पाई जाती है। अगला क्या होता है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। माने एक शुरुआत होती है जिसमें कि बंद प्रसरणतंत्र पाया जाता है जो है वो, माने जिसका ब्लड जो होता है नलिकाओं में होकर के बहता है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो, हीमोग्लोबिन इसी कारण इसका ब्लड रेड कलर का होता है वो। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह ब्लड प्लाज्मा, माने ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, घुला हुआ होता है वो। अब आती है कि अगली बात करते हैं तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनमें कि श्वसन के लिए, जैसे केचुआ में तो मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है वो, लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं उनमें गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अब आती है इस जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया, उत्सर्जन के लिए इसमें नेफ्रिडिया पाई जाती है वो। तो जो जलीय जंतु होते हैं वो तो अमोनिया बाहर निकालते हैं, और जो स्थलीय जंतु होते हैं ये यूरिया बाहर निकालते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो अमोनिया बाहर निकालते हैं वो, उसको हम अमोनोटेरिक एनिमल कहते हैं वो।